नमस्कार दोस्तों, लाखों लोगों की मृत्यु एलोपैथी की दवा खाने से हुई है और मुझे अरेस्ट तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं हमारे राम किसान यादव जी उर्फ बाबा रामदेव जी, जिनका आप इमेज इस वक्त देख रहे हैं। हाँ, इन्हीं की बात कर रहे हैं दोस्तों। ये ऐसे भड़काऊ बयान दिए गए हैं इनके द्वारा। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़ चैनल या फिर आप एजुकेशन से थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड है आपको, तो आपको मालूम हो ही होगा कि मैं इनकी बात कर रहा हूँ। ये आजकल अपने बयानों में घिरे हुए हैं और पूरी मीडिया भी इन पर घिरी हुई है। पूरा तो नहीं, पर कुछ गोदी मीडिया इनके बारे में दिखा रही है और कुछ गोदी मीडिया जो है इनको सपोर्ट भी कर रही है इस बयान के लिए। खैर, हटाइए इस गोदी मीडिया के बारे में, हम बात करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो हुई है बाबा रामदेव पर, इसकी पूरी स्टोरी क्या है अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही जो 1,000 करोड़ रुपए का इनके ऊपर नोटिस आया हुआ है, ये कैसे और क्यों आया हुआ है, मैं आप सभी को इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेरे वीडियो को शुरू करते हैं। आज से 1 हफ्ते पहले बाबा रामदेव ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे वो आज के टाइम में सवालों से घिरे हुए हैं। खैर, इसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा, पर आज के टाइम में जो उनका जो वायरल वीडियो हुआ है, और वो भी एक नहीं दो तीन वीडियो ऐसे हैं जो कि वायरल हुए हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसके वजह से यह कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है। जिस कारण से बुखार हो रहा हो उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, एक वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। आप कहेंगे फिर, मैं कहता हूं एलोपैथी साइंस पूरी खराब नहीं है, मॉडर्न मेडिकल साइंस का हम स्वागत करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं है। उसमें जो प्रयोग किए जाने वाले जो अलग अलग जो मेडिसिंस हैं, जो उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, जो उसके अलग अलग फाइंडिंग्स हैं, जो अलग अलग उनकी झूठी रिसर्च हैं, उनका विरोध है। जितने लोगों की मौत ऑक्सीजन न मिलने से, दवा न मिलने से, हॉस्पिटल न जाने से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत वहां हो रही है, और वहीं अब नए उपद्रव हो रहे हैं। कोरोना के बाद करोड़ों लोगों को, कोरोना के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल्स में गए, कुछ ने घरों में ही ठोक ठोक के दवाइयां खाई हैं, मुट्ठा भर भर के होम क्वारंटीन के दौरान डॉक्टर की सलाह लेकर के दवा खाओ, और सलाह दे रहे हैं वो ये सब जहर खाने की। इस वीडियो में दोस्तों बाबा रामदेव लोगों को भिड़काते हुए दिख रहे हैं और बता रहे हैं कि लाखों लोगों की मृत्यु एलोपैथिक मेडिसिन लेने की वजह से हुई है। मैं बाबा रामदेव जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस से जो रिकवर हो रहे हैं, क्या आपको मालूम है कि उनकी संख्या कितनी है? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं उनकी संख्या है 2,60,00,000 लोग, और वो आपकी जड़ी बूटी खाने से ठीक नहीं हुए हैं, वो ठीक हुए हैं एलोपैथिक की दवा खाने और डॉक्टर की हेल्प की वजह से, जिनका आप सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर मजाक उड़ा रहे हैं। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते डॉक्टर। 1,000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए, कल क्या समाचार है? कितने? 1,000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए, अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। दोस्तों, जिन लोगों की मृत्यु इस महामारी की वजह से हुई है, मेरे हिसाब से उन लोगों की मृत्यु लेट इलाज की वजह से हुई है, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर या बेड की ना होने की वजह से हुई है, जिसका मजाक बाबा रामदेव उड़ा रहे हैं। मेरे ओपिनियन में यह डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती है, मैं मानता हूँ उसमें सरकार की गलती है जिन्होंने हेल्थ सिस्टम को ध्यान नहीं दिया, और दूसरी साइड से देखा जाए तो इसमें सरकार की भी गलती नहीं है, गलती है हम सबों की, जिसमें फर्स्ट वेव को हल्के में लिया जिसकी वजह से सेकेंड वेव आया, और यही लापरवाही की वजह से दोस्तों इन
जो मृत्यु हुई है इनकी मृत्यु में संख्या काफी ज्यादा बड़ी है। ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, इससे पहले भी बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तिकड़म लगाते रहते थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब कोरोना वायरस इंडिया में आया हुआ था उस टाइम में पूरी दुनिया लगी हुई थी कि इसका इलाज मिल सके और अपने यहाँ के लोगों की जान बचाया जा सके, पर ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया ढूंढ रही थी इसका इलाज, उस टाइम पे किसी को ना मिला, पर बाबा रामदेव ने इसका इलाज ढूंढ लिया था, जिसे कुछ समय बाद ही उसे बंद कर दिया गया था। हॉस्पिटलों में बिल ज्यादा बनाए जाते हैं, टेस्ट ज्यादा किए जाते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन ज्यादा किए जाते हैं, गैर जरूरी ड्रग्स ज्यादा दिए जाते हैं। अब आप इसको कंट्रोवर्शियल कहें तो कहें, सिराज ठोक ठोक करके, ये रेमडेसिविर ठोक ठोक करके ही, रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जिनको ज्यादा दवाएं देकर के मारा गया। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद दिल्ली के IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा गया और उसमें कहा गया कि लोगों को भड़काने और स्वास्थ्य कर्मचारियों का मजाक उड़ाने के लिए बाबा रामदेव के स्पीच को हेट स्पीच माना जाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज यानी 1 जून 2021 को सभी डॉक्टर्स द्वारा प्रोटेस्ट किए जाएंगे, जिसका नाम रखा जाएगा ब्लैक डे प्रोटेस्ट रखा जाएगा, जो बाबा रामदेव के इस बयान के खिलाफ होगा। IMA ने आरोप लगाया कि बाबा रामदेव लोगों को भड़काने और अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ये सब कर रहे हैं और IMA ने कहा कि डॉक्टर हर्षवर्धन इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो हम आम आदमी और डोमेस्टिक पावर का उपयोग करेंगे और हाई कोर्ट तक जाने की बात कही है और इसके अलावा 1,000 करोड़ रुपए मानहानि चुकाने की बात कही है। मेडिकल साइंस को लेकर बाबा रामदेव द्वारा जो डॉक्टर्स और दवाइयों को लेकर जो भड़काऊ बयान दिए गए हैं, IMA द्वारा कहा गया कि 15 दिनों के अंदर बाबा रामदेव सबसे माफी मांगे और 15 दिनों के अंदर उन्होंने अगर माफी नहीं मांगी तो 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि चुकाए, इसकी मांग की है। जो डिमांड किया गया है वो नीरज पांडे द्वारा किया गया है। नीरज पांडे एक लॉयर है, जो इस लेटर में कहा गया है कि IMA के टोटल 2000 मेंबर है और उन सभी के इमेज को ठेस पहुंचा है बाबा रामदेव के इस स्पीच से। नीरज पांडे ने बताया कि बाबा रामदेव ने जो यह स्पीच दिया है वह हेट स्पीच के अंतर्गत आता है, जो कि क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत है और सेक्शन ऑफ 499 के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत उन्हें सबसे माफी मांगनी पड़ेगी या तो वे हर एक मेंबर यानी हर एक 50 लाख रुपए हर एक मेंबर के हिसाब से उन्हें 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि देना पड़ेगा, जो तो 1,000 मेंबर्स पर 1,000 करोड़ रुपए होते हैं। इसके साथ ही IMA ने बोला कि बाबा रामदेव को एक बाकायदा वीडियो क्लिप बनानी पड़ेगी जिसमें वे अपने सभी बयान को वापस लेंगे और सभी से वो माफी मांगनी पड़ेगी और वह जो वीडियो क्लिप है वो अपने सभी सोशल मीडिया में उन्हें पोस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा IMA ने बोला कि जो कोरोना वायरस की स्टार्टिंग में उन्होंने जो दवाइयां लॉन्च की थी उसे सभी जगह से हटाना पड़ेगा और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके ऊपर FIR दर्ज कराई जाएगी। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को, लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव कभी महा ठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव, अब चलाते रहते चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जो टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे में क्वेश्चन आता है कि बाबा रामदेव सही है या गलत। मेरे ओपिनियन में दोस्तों, बाबा रामदेव ने जो किया वो गलत है। इस महामारी के वक्त उन्हें ऐसी हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए। सरकार द्वारा जो भी एक्शन लिए जाते हैं उनके ऊपर उन सभी शर्तों को और उन सभी एक्शन को उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और उनको सभी शर्तों को पूरा करना ही पड़ेगा। यही थी कंट्रोवर्सी बाबा रामदेव के ऊपर जो आज के टाइम पे चल रहा है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि यह कंट्रोवर्सी की जो सच्ची जानकारी है उन सभी के पास पहुंच सके। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी बोलें कि इनका चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।